समझा है एकांत वास में वीडियो बनावे के लाने का है ससुराल में है कहूँ रहो हमें तो वीडियो बनावे से हर जगह परेशानी होते है तो हमें वीडियो बनाना ही नहीं दे दिया है लोग छिप के वीडियो बनाने आते हैं हमारा लोग से चले हम वीडियो बनावे के लाने एकांत वास देख रहे हैं अब एकांत वास तो हमें कहूँ तक नहीं लगा रहा दूर दूर तक मका और ना है काला के उड़दा उड़दा रहे हैं और तो देख रहे हैं वास्ता ही नहीं दिखा रही है कहाँ बैठ के वीडियो बनाए तो हमारे लाने फाइनली जगह मिल गई है बैठवे के लाने अब जगह तो नहीं है अच्छी मैंने बैठने तो वीडियो तो बनाने हैं गुरुदेव के बारे में जानकारी देने हैं तो भाई बोलने पर है और बताने पर है ना आप और सपोर्ट कैसे करो हमारे लाने वैसे भी 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं आप और ने एक बार भी नहीं बोली कि आरती बहन आपके वीडियो काय नहीं आ रहे हैं तो आप और के लाने हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है जो आप और की प्यार ने बता दो कि आप और कितो प्यार करा तो हमसे कितो हमें चाहत हो कितो आगे बढ़ाओ चाहत हो बिल्कुल नहीं आप और लाने हमारी केयर आए नहीं हमारा कोई सपोर्ट करो चाहता है वो तो जबरदस्ती जिंदगी दुनिया में अड़े हैं सो अड़े हैं काय सही कह रहे तो आप और लाने वैसे पता ही है कि हमारा नाम आरती घोसी है हमारे चैनल को नाम है आरती घोसी ब्लॉग तो आप और मजबूरी में नहीं हम कैसे तो सपोर्ट करो भैया दीदी हरो आप और को हमारी लाने बहुत बहुत आभार रहे कि कितनी मजबूरी में परेशानी में गरीब इंसान को सपोर्ट करा था आप और तो आप और लाने कितनी दुआएं मिला था और हमें बहुत अच्छा लगा था कोई भी हो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते लोग छिप के वीडियो बनाते हो वैसे भी आपको पता है कि हम गलत वीडियो तो बनाते नहीं है बनाते तो हैं अच्छी वीडियो बनाते लेकिन फिर भी हमारे लाने तनक एकांतवास में जा कर वीडियो बनाने पर आते तो वैसे जानकारी लेके आए गुरुदेव के बारे में यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम नाम की सरकार बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं तो उनकी जानकारी लेके आए कैसे उनकी मुश्किलें अब बढ़ते हुए बढ़ जा रही हैं उसी तो उनकी मुश्किलें कछु बढ़ नहीं रही हैं कैसे उन पर साक्षात हनुमान दादा की कृपा है बालाजी महाराज को आशीर्वाद है तो उनको को कछु नहीं बिगाड़ सकता लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके ऊपर नए नए आरोप लगावे में लगे रहते हैं और जो मामलों का है जो अप्रैल को मामलों है जो अब अभी ज़्यादा चल रहा है जो कि केचुली समाज है ये केचुली बहुत सारी ऐसी समाज हैं जो सहस्त्र बहु भगवान हैं उनके आराध्य हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी करी थी जो आप और पता है कि जो बिहार में टिप्पणी करी थी फिर अपने सागर बुंदेलखंड में कथा करी थी जब इनने टिप्पणी करी थी जो कि भगवान परशुराम और सहस्त्र बहु भगवान के बीच में युद्ध भाव तो युद्ध की उनने जो शास्त्रों के दौरान जो भी कथा हती या कुछ भी मतलब जो तो भैया अपन इतने ज़्यादा शास्त्र वगैरह की बात ज़्यादा जानकारी है नहीं अपने पास में हमारे पास में मतलब तो वही के बारे में उनने टिप्पणी करी थी तो वही टिप्पणी की वजह से आज तक भी वो केस चल रहा है जो आप और हम पता है कि 2 जुलाई को भी उनकी पेशी हती और 2 जुलाई की पेशी के बाद अब 2 सितंबर के लाने पेशी बढ़ा दी गई थी तो अब 2 सितंबर के लाने पेशी है अब सभीजनों की जा हो रही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जा मांगी गई थी कि आपने जो भी हमारे भगवान के ऊपर जो शब्द बोले हैं वो वापस लो यानी से माफ़ी मांगो सार्वजनिक स्थान से यानी कि मंच से तो गुरुदेव ने माफ़ी मांगी लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी तो उनसे भी संतुष्ट नहीं भाया और उनने याचिका दर्ज कर दी है जो हाई कोर्ट में कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हमारे हमारों की मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचावे की कोशिश करी है जो ऐसी उनने बात बोली है कि हमारों की भावनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो ये मामला तनक पेचीदा लग रहा है लेकिन कैसे अब या तो जानकारी ऐसी आई नहीं है कि गुरुदेव के खिलाफ तो कोई ज़्यादा ऐसा खड़ा हो नहीं सकता है लेकिन जो केचुली समाज है शास्त्र बहु भगवान की जो भी मतलब पूजा कर रखे हैं और जो उनके आराध्य हैं जो जो उनके तो वे उनके खिलाफ खड़े भाए हैं जो कि हम भी एक सोच रहे थे कि गुरुदेव ने ऐसी बात बोली लेकिन ऐसा एक बार समझवे की सोचवे की बात है जो ग्रंथों में लिखी है वही बात बोली है अपने मन से नहीं बोली है जब बात उनने बोली भी रही लेकिन उनके लाना कोई समझ में नहीं आ रही है बात तो भैया बेजाने और बेजाने अपन तो दूर भले की राम राम का भी गरीब आदमी है दूर वीडियो बनाते हैं वीडियो तो बना रहे हैं मनो आप और सोच रहे हो कि हम कहाँ हैं भैया हमने आपको बताई है कि जिसमें हम खेत में आए हैं वीडियो बना भी के लाने आराध्य घर है के लिए और आप और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें
तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, टाइफाइड बताओ है डॉक्टर साहब ने, आप बारे में बताइयो के कहूँ ऐसो झरा था जादू टूना टूटका हो थे कि जो के हम अच्छी हो जाए। उतरे बागेश्वर धाम में तो गए थे, एक डेढ़ साल हो गए जब गए थे, लेकिन अभी हम नहीं जा पा रहे का बारिश हो रही, छोटी सी बिटिया रानी है और प्रेगनेंसी है, तो ज़्यादा दूर जावे की हालत नहीं है हमारी, लेकिन कहूँ और लगा जो जादू टोना हो रहे हो तो हम ठीक हो जाए अच्छे हो जाए। तो टाइफाइड है कहूँ, मलेरिया है कहूँ, पीलिया है, ये सब हमारे लाने बीमारी घिर रही हैं। तो आप से ये जो है कि आप कहूँ झरत हुए ताबीज आबीज गड़ा अड़ा मिला तो बाकी पैर तो हैं, सुबह से कछू हो ही नहीं रहा हुआ, गड़ा तो पैर हैं मनो जिक्का छू काम ही नहीं कर रहे आप और के आस पास हुए। तो आप और कमेंट करके बता दीजिएगा जो वीडियो बने हो, ठीक है, वीडियो में जानकारी अच्छी लगे कि वीडियो हो लाइक चैनल सब्सक्राइब, जय श्री राम, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जय श्री राम बोल दिए नहीं अच्छा लगे वीडियो तो।